पिछले तीन कैरेक्टर्स जो आपने किए शालम बादशाह बेगम एंड देन मिस्टर जलाल फ्रॉम शनास वन ऑफ योर फेवरेट्स राइट एंड देन मिस्टर आसिफ फ्रॉम मैं आपको लगता है इन ईच वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स देयर इज 50% ऑफ यू <laughs> वो एक गाना था पॉल यंका एवरी टाइम यू गो अवे यू टेक अ पीस ऑफ मी विद यू राइट आई थिंक टोटल डिस्कनेक्ट अभी तक तो आप खत्म हो गए हैं फिर तो डिस्कनेक्ट जो होता है डिस्कनेक्ट <laughs> टोटली totally तो हो नहीं सकता राइट right. वरना तो hmm. आप किसी इंसान को कास्ट ही ना करें hmm. Therefore, आप अपनी ट्रांसलेशन लाते हैं hmm. अपना जाविया लाते हैं hmm. अपना तरीका लाते हैं अपना जो भी आपका hmm. अदाकारी का तरीका है तो मैं समझता हूँ पूरी तौर पे डिस्कनेक्ट तो बहुत बहुत ही लकी लोग हैं और काबिल एक्टर्स हैं जो कर सकते हैं जैसे मैं, मैं नहीं समझता नहीं मैं नहीं समझता कि मैं अपने अपने उससे निकल के बिल्कुल एक ऐसी चीज कर लू जो मेरे मिजाज के खिलाफ हो तो वो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर बिलीवेबिलिटी और कन्विक्शन कम हो जाएगी कई लोग कर लेते हैं मुझे लगता है मेरा हैंडीकैप है मैं नहीं कर पाऊंगा राइट एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मेरे पर्सनल वैल्यू सेट्स इसके बहुत ही अगेंस्ट हो यू नो तो तो मुझे मेरा थोड़ा बहुत तो सब में झलक है hmm. जैसे सबकी सब में होती है राइट right. आपकी तो, ज्यादा है लेकिन वो शायद आ, मुझे इतनी डिवर्सिटी वाले कैरेक्टर्स मिले ही नहीं ओवरऑल hmm. hmm. क्योंकि मुझे देख के ना आप क्या जहन में अखस कर लेते हैं यू नो यू वांट टू सो वी नो कम्प्लेन्स बट जनरली सेइंग हमारी जो कास्टिंग की फैकल्टी है ना hmm. वो थोड़ी सी लेजी है पॉलिटिशियन right. uh, चाहिए रोबदार शराब नवाज आपको फ्यूडल लॉर्ड चाहिए शराब नवाज आपको अगर एक रोमांटिक आर्टिस्ट एक एसेंट्रिक राइटर चाहिए तो शराब नवाज नहीं नजर आता वो आई फील आना आना चाहिए वैसे तो कहता आना चाहिए आधे से ज्यादा टाइम में मेरी कोई मतलब बात यह <laughs> कि या वफात पा चुकी हैं या छोड़ के जा चुकी हैं मैं भाई मेरे स्क्रीन टाइम के अंदर रोमांस की कोई गुंजाइश ही नहीं है कैसे हो सकते रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इसलिए आपको ये साइड जरा ज्यादा लगती है कि वो जरा सा ज्यादा कमांडिंग डिमांडिंग यू नो इन कंट्रोल एक स्वाफ कैरेक्टर है जिसको पता है मैंने क्या करना है असर्टिव है अथॉरिटेटिव है तो जब आप देंगे ही वो तो मैं करूंगा अच्छा जो ऐसे लातादाद मैंने नहीं किए वो फिर इतने स्टीरियोटिपिकल थे कि मुझे क्या जल्दी है या क्या मतलब शौक है कि मतलब क्या होगा लोग मेरे साथ सेल्फिया ज्यादा खिंचवाएंगे एक, एक मेरा नाम ज्यादा लेंगे मेरी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना uh, uh, right? और इज्जत जो आपको मिलती है above all. लेकिन कैरेक्टर फिर इतने स्टीरियोटिपिकल होते हैं फिर वो स्क्रिप्ट पहले में पढ़ता था एक ड्रामा है मैं पता नहीं है आपका शो भी बड़ा अजीब से ही होता है Uh, हमारा और आप चुप करके इसलिए यू वांट मी टू से इट आई डू आई लाइक आई लाइक दैट इंस्टिंक्ट जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट बल्कि बता देता हूँ वो था चीख अच्छा hmm. चीख मैंने खुद पढ़ा मैंने उस दिन के असिट स्क्रिप्ट पढ़ना छोड़ दी hmm. मैंने कहा ये क्या बकवास है उन्हें hmm. तो मैं नहीं कर सकता वो भी बदल ने बहुत कन्विंस किया जी बदल रियली वांटेड टू वर्क विद मी आई शुड नो आई कांट डू दिस एंड व्हिच कैरेक्टर आई वाज प्लेइंग व्हाट इजाज असलम प्लेड लेटर Okay. वो उसका भाई था बिलाल अब्बास या इमरान अब्बास बिलाल अब्बास का मैंने मना कर दिया तो फरा कहती रही सर आपने ये करना है मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट दो तुम्हें क्या पता हुँ. तुम तो व्यूअर हो मुझे पता है क्राफ्ट का स्क्रीन हुँ. क्राफ्ट डायलॉग तुम्हें क्या पता हुँ. मुझे पता है मैं एक्सपर्ट हूँ मैंने खुद पढ़ा मैं करना हो गया आई विल नॉट डू दिस हमारी लास्ट मीटिंग के बाद वी डिसाइडेड नॉट टू डू इट विद ब्रदर इन ऑल

अब अब जो चीज हुई नहीं वो हाइपोथेसिस हुई नहीं क्या हाइपोथेसिस है मगर इंसान हर काम किसी मकसद से करता है यूजुअली यूजुअली बिना मकसद नहीं होता अदाकारी पाकिस्तान में पाकिस्तानी ड्रामे में आपके लिए क्या लेके आती है आपकी जिंदगी में चेंज कैसे मेरे काम से हटके मेरी मजबूरी नहीं है

तहरीर को अदा कर रहा हूँ जो हुँ। मैं हूं भी नहीं तो पहला झूठ तो मैं मैं से शुरू करता करता कि वो शख्स जो मैं नहीं हूँ अब वो स्किल सेट की मैं बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ इस फैक्ट की बात कर रहा हूँ कि कोई भी एक्टर वो अपने ऊपर वो हॉल चढ़ाता है किसी पर्सनालिटी का जो वो नहीं होता तो पहला झूठ ही होता है

मेरे लिए ये बिल्कुल डिफरेंट होता है hmm. इसे बहुत एंजॉयबल होता है इसलिए मैं जब भी करता हूँ hmm. मैं बहुत इसको एंजॉय करता हूँ रिस्पांसिबिलिटी एक्साइटिंग है रिस्पांसिबिलिटी हाँ. की आपने बात की डोंट यू फील दैट हमारा जो ड्रामा है इट हैज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑन इट्स शोल्डर्स व्हिच यू डजंट रियली टेक वेरी सीरियसली अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज़ इट इज गोइंग आउट टू द मैसेस आवाम जो देख रही है ड्रामा वो ड्रामा देख के शायद जो अब्जॉर्ब कर रही है वो खबरनामा देख के वो ऐसा नहीं अब्जॉर्ब कर रही वो कि वो रियलिटी है वर्सेस फिक्शन बट डू यू फील दैट देयर शुड बी अ रिस्पांसिबिलिटी अटैच्ड टू टेलीविजन के नहीं एंटरटेनमेंट है? है चलने दो देखिए इस मेरा अपनी जात की राय तो इतनी मैटर नहीं करती नहीं मैं तो आपकी राय लेकिन दुनिया में ये कहा जाता है कि करती है जो साइंस है कॉग्निटिव साइंसेस साइकोलॉजिकल And नहीं। क्यों बनता? नहीं। आ, सिर्फ खबर चलाने के लिए तो नहीं, नहीं। था लिहाजा ये तो तय है ये इम्पैक्ट करती है इन्फ्लुंस करती है इधर और जैसे आप उसको मोल्ड करना चाहे शेप करना चाहे सोसाइटी को क्योंकि और आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है खबरनामे की बिकॉज hmm. इसमें आपके जो रिसेप्टर्स uh, होते हैं सब hmm. uh, में वो लोअर हुए हुए होते हैं Absolutely. तो आप रिसीव yeah. कर रहे होते हैं विलिंगली इन्फॉर्मेशन ना कि आप डिफ्लेक्ट कर रहे हो खबरनामे में यू नो यू बी गिवन अज सो यू वॉन्ट टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन आई लाइक दिस पर्सन आई डो नॉट लाइक यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो